हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी बी दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर तो आज हम समझेंगे कि बीओडी क्या होता है तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा हमने वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ा कि वेस्ट वाटर जो हमारे हाउस होल्ड वेस्ट है डोमेस्टिक वेस्ट जो कैसे प्रोड्यूस हुआ सीवर्स के थ्रू कहाँ तक आया ट्रीटमेंट प्लांट तक आया सिमिलरली हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी सीवर के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट पे आया देन हमारा जो स्ट्रॉन्ग वाटर uh, है ये भी ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवर्स के थ्रू पहुंचा तो ट्रीटमेंट प्लांट में क्या हुआ इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट की मैथड हमने अप्लाई करी ठीक है तो ये हमने वाटर uh, जब हमने वाटर की स्टडी की थी तब भी हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट स्टेप में वाटर का प्योरिफिकेशन किया जाता है सिमिलरली वेस्ट वाटर को भी हमने ट्रीट किया अब इस ट्रीटमेंट uh, के लिए हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद भी वीकेंड से और ये जो वेस्ट वाटर है इसमें अगर हमें या फिर किसी भी वाटर की हमें ऑक्सीजन की डिमांड को पता करना होता है तो उसे हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट मीन कि बी बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक क्रूशियल पैरामीटर है जो कि यूज किया जाता है टू मेजर अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन विच इज इन वॉटर विच इज कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अब इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं वट वी आर स्टडिंग वी आर स्टडिंग अबाउट दी BOD डी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा तो यू हैव टू नो कि दिस इज बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो जो भी आपका वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हुआ या फिर आप नॉर्मल वाटर की भी बात करें तो इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं बीओडी चेक कर सकते हैं एंड बीओडी है क्या तो इट इज डिमांड डिमांड मतलब कितनी जरूरत है किसकी डिमांड ऑक्सीजन की डिमांड तो वाटर में वेस्ट वाटर में कितने ऑक्सीजन की डिमांड है उसको हम क्या बोलेंगे बीओडी नॉर्मल वाटर में हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है वेस्ट वाटर में हम क्यों चेक कर रहे हैं क्योंकि वेस्ट वाटर में हमें ऑक्सीजन चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि हमें वेस्ट uh, वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करना है उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एंड उसी के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो बीओडी को समझने के लिए हम देखें कि हमने एक कंटेनर लिया फॉर एग्जाम्पल कि हमने कंटेनर कंटेनर uh, लिया इसमें हम वॉटर ले रहे हैं दिस इज वाटर अब ये वॉटर क्या है इम्प्योर वाटर है इसमें क्या है इम्प्योरिटीज है इस वाटर में इम्प्योरिटीज है।, है या फिर वाटर लिया है। कि अभी तक हमने ये देखा कि अगर वाटर वेस्ट वाटर है पल्यूटेड वाटर है तो उसमें क्या होगा उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे ऑर्गेनिक मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ इंप्यूरिटीज होंगे आप हमारा पर्पज क्या है और मे बी उसमें क्या हो बैक्टीरियाज हो तो पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे तो हम समझते हैं कि वाटर था वेस्ट वॉटर था इसमें हमारे कुछ अमाउंट ऑफ क्या है ऑर्गेनिक मैटर्स हैं राइट ऑर्गेनिक मैटर एंड दैट इज दैट आर क्या ऑर्गेनिक मैटर मतलब इम्प्योरिटीज एंड कुछ हमारे क्या होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे इन ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड बनाएंगे इनको डीकम्पोज करेंगे और उसके लिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी एंड इसी रिक्वायरमेंट को सिंपली हम कहते हैं बीओडी दैट इज ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर तो इसको हमने बोला बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर तो बीओडी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है विच इज शोइंग ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल ऑफ वॉटर बॉडीज दैट मीनस की किसी भी वॉटर बॉडी का अगर आपको पल्यूशन का लेवल चेक करना है पॉल्यूशन का लेवल मतलब ऑर्गेनिक मैटर मतलब हमें चेक करना है कि कितनी उसमें इम्प्योरिटीज है कितना पल्यूटेड वॉटर है तो हम उसकी डिमांड को चेक कर लेंगे ऑक्सीजन डिमांड को तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है तो क्या है वो वॉटर पल्यूटेड है अभी तो उसके ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है किस लिए ताकि कि वो क्या कर पाए ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर पाए राइट तो अगर हम बात करें वाटर बॉडीज की इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हमें एनवायरमेंट में हमारी वाटर बॉडीज है हमें उनको मॉनिटर करना है सिमिलरली हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जैसे कि मैंने बताया कि सारा वेस्ट आपका सीवर से आके कहा जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी हमें चेक करना है कि उस जो वेस्ट वाटर आया है वो कितना पॉल्यूटेड है उसका पॉल्यूशन लेवल क्या है उसकी वेस्ट की स्ट्रेंथ क्या है तो हम किससे चेक करेंगे हम चेक करेंगे थ्रू दी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से अब हम डिटेल में समझे तो बीओटी क्या है एक टेस्टिंग है हम क्या बोलते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ टेस्ट ये एक टेस्ट प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम वाटर का पल्यूशन डिटरमाइन कर सकते हैं या हम ये बता सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है तो हम बीओटी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं तो वी टेक अ कंटेनर हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें हम क्या लेंगे पल्यूटेड वाटर लेंगे इस कंटेनर में हमने क्या लिया है दैट पल्यूटेड वाटर अब अगर ये वाटर पल्यूटेड वाटर है तो ये इम्प्योरिटीज को कंटेन कर रहा है और इम्प्योरिटीज कंटेन कर रहा है तो किन फॉर्म में कंटेन करेगा ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज हो सकती हैं जिनको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर राइट इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज भी हो सकती हैं इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी और क्या हो सकता है इस पॉल्यूटेड वाटर में इंप्यूरिटीज के टर्म पे और क्या हो सकता है तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये इंप्यूरिटीज में हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किस फॉर्म में होंगी तो ऑर्गेनिक मतलब जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है कार्बन कंटेनिंग राइट इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं है इसीलिए तो इसे क्या बोला इनऑर्गेनिक बोल दिया मतलब नॉट कंटेनिंग कार्बन वी कैन से नॉट कंटेनिंग कार्बन तो हमें ये नाम से ही पता चलता है कि ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन को कंटेन करे ऐसे मैटर्स और जो कार्बन को कंटेन नहीं करेंगे उन्हें बोल देंगे हम इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या हो सकती है तो कार्बन किस में हो सकता है स्टूडेंट्स लाइक फूड वेस्ट है हमारा फूड वेस्ट एनिमल का वेस्ट है मान लीजिए डेड एंड डिके एनिमल्स आ गए हमारे पानी में वेस्ट वाटर में तो वो एनिमल वेस्ट है इसके अलावा प्लांट्स की डेड बॉडीज हो सकती हैं या प्लांट की लीव्स हो सकती हैं इनमें भी कार्बन होता है ये अगर आपके पानी में एज अ वेस्ट आ गई है इसके अलावा और क्या हो सकता है ऑयल हो सकता है आपका राइट right? शुगर हो सकती है ये सब क्या है कार्बन को कंटेन करती है इसीलिए हमने इन्हें क्लासीफाई किया एज अ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी नॉन कंटेनिंग कार्बन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या हो सकती हैं तो सॉल्ट्स होते हैं पानी में उनमें कार्बन नहीं होता जैसे सोडियम हो गया आपका आयरन हो गया इसके अलावा मैग्नीशियम हो गया कैल्शियम हो गया नाइट्रेट हो गया क्लोराइड हो गया ये सभी क्या है आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं तो ये आपकी पानी में या वेस्ट वाटर में अवेलेबल होंगी जिन्हें हमने बोला इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो क्या होते हैं हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया वायरसेस ये सब क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अब हम समझते हैं कि हमने इसको बायोकेमिकल क्यों बोला हम इसे इसीलिए बायोकेमिकल बोल रहे हैं क्योंकि इस वेस्ट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेंगे जैसे बैक्टीरिया है बैक्टीरिया यहाँ पे आ, आ, क्या कर रहा है यहाँ पे ऑर्गेनिक uh, मैटर का डीकम्पोजिशन कर रहा है तो ये बायो केमिकल रिएक्शन है हमने हमने बायोलॉजिकल पैरामीटर पढ़ा उसमें भी देखा कि बैक्टीरिया वायरसेस प्रोटोजोआ हमारे क्या थे वहां पर बायोलॉजिकल पैरामीटर की हमने स्टडी करी थी तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहे हैं एक्टिविटी कर रहे हैं इसीलिए हमने इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किनको है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन बैक्टीरिया को है क्यों है क्योंकि ये क्या चाहते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर को मतलब ये दोनों हमारी क्या हो गई ऑर्गेनिक मैटर ही का फॉर्म है तो ये बैक्टीरिया चाहते हैं कि हम अपना भोजन बनाए फूड बनाए किससे बनाए तो इस ऑर्गेनिक मैटर से बनाए अब कैसे बनाए तो बैक्टीरिया को पता है कि ऑर्गेनिक मैटर पानी में तो है इम्प्यूरिटीज के फॉर्म पे तो हम क्या करें इसको डीकम्पोज कर दें तो हमें फूड मिल जाएगा तो ये बैक्टीरिया को इन ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए किसकी जरूरत होती है ऑक्सीजन की जरूरत होती है राइट right? बिना ऑक्सीजन के ये डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे तो हम जानते हैं कि पानी में कुछ ना कुछ अमाउंट हमने अभी पढ़ चुका है कि इसके पहले जो सीवेज का पैरामीटर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि डिजॉल्ड ऑक्सीजन क्या होती है तो डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या होती है स्टूडेंट जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन तो वाटर में कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होगा डिजोल्ड ऑक्सीजन घोली होगी मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे इस वाटर में या वेस्ट वाटर में जितना भी अमाउंट ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन घुला हुआ है उसका यूज करेंगे किस लिए इन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कर रहे हैं And, जितना मैटर उतनी उनको की अब क्या ये बैक्टीरिया ने पानी की वेस्ट वाटर की ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया और ऑर्गेनिक मैटर को अपना फूड बनाना शुरू कर दिया उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दिया अब एक टाइम तक डिजॉल्ड ऑक्सीजन तो लिमिटेड है वॉटर के अंदर एक टाइम तक तो ये ऑक्सीजन को की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर पाए अपना फूड बना पाए लेकिन उसके बाद जब ये ऑक्सीजन वॉटर की वेस्ट वाटर की खत्म हो चुकी है तो तो क्या होगा ऑर्गेनिक मैटर को अभी भी अपना और फूड बनाने के लिए अगर उस वाटर में इस इम्प्योर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर और भी अवेलेबल है तो ये बैक्टीरिया क्या चाहेंगे कि हमें और ऑक्सीजन मिले बाहर से और हम क्या कर पाए इनऑर्गेनिक मैटर को और डिकम्पोज कर पाए मतलब प्रोसीजर कंटिन्यू हो पाए इसके लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए और इस ऑक्सीजन को ये बाहर से चाहते हैं कि हमें ये ऑक्सीजन मिल जाए इस ही डिमांड को हम क्या कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर और वेस्ट वाटर सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दी बायो बीओडी वी कैन से तो इस बीओडी में कुछ नहीं है बैक्टीरिया आपको सरवाइव करना है ये अपना फूड प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड ये अपना फूड किससे बनाएंगे ऑर्गेनिक मैटर से बनाएंगे ऑर्गेनिक मैटर में क्योंकि कार्बन है कार्बन अवेलेबल है अब इनको ऑक्सीजन बस चाहिए इनका डिकम्पोजिशन करने के लिए और इनका डिकम्पोजिशन ये किस तरह से करेंगे पानी में घुली हुई डिजोल्ड ऑक्सीजन का यूज करके करते हैं तो जब बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन होता है जब बैक्टीरिया ब्रेकडाउन करते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर का पल्यूटेड वॉटर में से इन द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन तो जो इसका ऑक्सीजन लेवल है ये क्या होने लगेगा डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि डिजोल्ड ऑक्सीजन तो बैक्टीरिया यूज करते जा रहे हैं मतलब अब क्या हो रहा है ऑक्सीजन का लेवल इस वाटर में कम होता जा रहा है एंड जो माइक्रो डिमांड जो है और भी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की फ्रॉम द आउटसाइड अब ये क्या चाहेंगे कि हमें बाहर से ऑक्सीजन मिल जाए और हम अपना फूड बना ले इस डिमांड को हमने क्या बोला बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड राइट इतनी बात क्लियर है अब जितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है अगर ये ज्यादा होगा दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उतनी ही ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होगी डिजोल्ड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और जितना ज्यादा डिजोल्ड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी बीओडी हम कह सकते हैं कि उतनी ज्यादा हाई होगी राइट तो हम यहाँ पर रिलेशन समझे अगर डिजोल्ड ऑक्सीजन अगर आपको कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा कि वाटर की डिजोल्ड ऑक्सीजन अगर हाई है डिजोल्ड ऑक्सीजन अगर हाई है तो बीओडी क्या होगा बीओडी तो बीओडी की वैल्यू क्या होगी वाटर क्या होगा देखिए डिजॉर्ड ऑक्सीजन हाई मतलब यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और बैक्टीरिया उसको नहीं ले रहा तभी तो वो क्या है हाई है अगर डिजोर्ड ऑक्सीजन ज्यादा है इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम है है ना वो ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुके हैं बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर चुके हैं दैट इसीलिए वहां पे क्या हुआ डिजॉर्ड ऑक्सीजन बची हुई है दैट मीन बीओडी क्या होगी बाहर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो कम हो जाएगी लेस और इसके अपोजिट हम बात करें कि अगर पानी की डिजॉल्व ऑक्सीजन एकदम कम हो गई है मतलब बैक्टीरिया ने क्या किया है पूरी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया है तो हमने बोला कि डीओ अगर बहुत ही लेस है दैट मीन्स अब उसको क्या चाहिए बाहर से ऑक्सीजन चाहिए बाहर से वो डिमांड करेगा कि ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बीओडी क्या होगी रिक्वायरमेंट क्योंकि बीओडी क्या है डिमांड है तो डिमांड क्या हो यहां गई यहाँ पे बढ़ गई डिमांड हाई है तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि डीओ अगर पानी की कम है दैट जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो हाई होगी और अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन हाई है दैट वहां पे ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुके हैं प्योर वाटर है और उसकी बीओडी की जो रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम है अब बात करें कि क्या पैरामीटर है तो अगर बीओडी की वैल्यू हम देखेंगे आगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं बट हम बेसिकली अभी समझे तो अगर आपको किसी भी आ, वेस्ट वाटर में बीओडी की वैल्यू वन से टू मिलती है दैट मींस कि दिस वाटर इज वेरी गुड पल्यूटेड हम कहेंगे कि नहीं है राइट अगर थ्री टू फाइव है तो देखिए डिमांड अब क्या हो गई है बढ़ गई है मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो रही है तो हम बोलेंगे कि मॉडरेटली क्लीन वाटर है मॉडरेटली क्लीन वाटर है अगर इस बीओडी की डिमांड पानी की छह से नौ हो जाए सिक्स टू नाइन दैट मींस की वॉटर कैसा है डिमांड क्या हो रही है हाई हो रही है मतलब वेरी पुअर क्वालिटी या फिर वी कैन से पल्यूटेड वॉटर है पल्यूटेड वॉटर है एंड अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हंड्रेड हो जाए किसकी बीओडी की वैल्यू इज ग्रेटर देन हंड्रेड तो हम कह सकते हैं कि दैट वॉटर इज हाईली पल्यूटेड Highly polluted. तो ये हमें याद रखना है ये भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में तो इस बीओडी को हम समझे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने बोला कि वन टू टू आई थ्री टू सिक्स आई तो व्हाट इज दिस तो इसके लिए हम पहले कुछ चीजें समझते हैं जैसे BOD. अगर आपको लिखा दिखे बी ओडी थ्री तो इसका क्या मतलब है जो बेस में थ्री है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कि कितने दिनों में ये जो माइक्रोब्स थे इन, इनको ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई तो ये आपका क्या है नंबर ऑफ डेज है मतलब कौन से नंबर ऑफ डेज वी कैन कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया माइक्रोब्स इन फर्स्ट थ्री डेज क्या बोला मैंने फर्स्ट थ्री डेज अभी थ्री डेज क्या है तो हमने वो समझा कि बीओटी क्या एक टेस्टिंग है जिसमें कि हम कंटेनर में या बीओटी बॉटल का आगे हम देखेंगे कि इसका टेस्ट एक्चुअली कैसे होता है अभी हमको क्या समझना है कि बीओटी थ्री लिखा है मतलब जिस दिन से हम जिस दिन हमने टेस्ट स्टार्ट किया उसके तीन दिनों के अंदर तीन दिन में आपको कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड थी माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए वो आपका क्या होता है बीओटी थ्री अगर हमने लिख दिया बीओडी फाइव बीओडी फाइव मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स इन फर्स्ट फाइव डेज मतलब आज आपने टेस्ट स्टार्ट किया तो पांच दिनों के अंदर माइक्रोब्स को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको ऑक्सीडेशन के लिए उसको हम क्या बोलेंगे बीओडी फाइव तो जनरली फाइव में ही हम कंसीडर करेंगे फाइव से अब हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्यों नहीं पड़ती वो भी हम समझेंगे लेकिन फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि अगर बीओडी थ्री लिखा है तो इट रिप्रेजेंट फाइव लिखा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसी तरह मान लीजिए मैंने सेवन लिख दिया तो दैट मीन्स की सेवन डेज में कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई मैंने लिखा बीओडी टेन तो टेन मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट बीओडी टेन तो आप बताएंगे कि आपको क्या पूछा है टेन डेज में कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी माइक्रोब्स को उसको बीओडी टेन बोलेंगे अब हम समझते हैं कि ये जो बीओडी थ्री है बीओडी थ्री लेस देन बीओडी फाइव तो इसका क्या मतलब है मतलब पांच दिन में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो ज्यादा है एस कंपेयर टू द बीओडी थ्री मतलब थ्री डेज में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या ऑक्सीजन का कंजप्शन है उससे मतलब आज आपने और पॉल्यूटेड वाटर लिया वेस्ट वाटर लिया इसको आपने टेस्टिंग के लिए रखा इसकी बायोकेमिकल बायो ऑक्सीजन डिमांड आप टेस्ट कर रहे हैं तो पांच दिन बाद पांच दिन में क्या होगा माइक्रोब्स क्या करते हैं धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं ऐसा तो नहीं कि रैपिडली आए बिल्कुल अपना भोजन बना लिया फूड प्रिपेयर कर लिया और सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली नहीं माइक्रोब्स खुद ही छोटे होते हैं तो इनको टाइम लगता है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं तो तीन दिन में जो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो पाएगी अपना फूड बनाने के लिए माइक्रोब्स वो कम होगी जबकि आप चेक करेंगे कि पांच दिन बाद वो ज्यादातर ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर चुके होंगे अब हम क्यों BOD फाइव और थ्री पर ही फोकस कर रहे हैं वी विल डिस्कस इसके अलावा हम समझते हैं कि अगर हमने बोला बीओडी फाइव एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका मतलब क्या होता है कि पांच दिन में पांच दिन के लिए आपने टेस्ट के लिए रखा बीओडी बॉटल को एंड आपने उसका ऑक्सीजन की डिमांड देखी पांच दिन में और टेम्परेचर कितना रखा ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड इसी तरह मैं बोल दू बीओ थ्री एट या फिर बीओडी फाइव ही बोल लेते हैं एट थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हमने क्या किया यहाँ पे पांच दिन का ही टेस्ट है लेकिन अब हमने टेम्परेचर कितना कर दिया बढ़ा दिया है यहाँ पे कितना बढ़ा दिया बीस से तीस कर दिया है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया अब टेम्परेचर बढ़ गया तो आप समझिए कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बढ़ जाएगा है ना क्योंकि आपने क्या किया टेम्परेचर ही बढ़ा दिया तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी भी बढ़ी और यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन टेम्परेचर के साथ बढ़ गया तो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर के साथ रेट बढ़ गया है तो बीओडी जो फाइव है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पे वो ज्यादा होगा ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे कम होगा हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेट बीओडी अल्टीमेट यू लिखा है that means ultimate. क्या represent कर रहा है ultimate. तो ultimate मतलब infinite time. मतलब जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन इस वो पर्टिकुलर वाटर को लग सकती है जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसको हमने क्या बोला बीओडी अल्टीमेट मतलब इनफाइनाइट टाइम्स में माइक्रोब्स को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए उसको हमने बोल दिया बीओडी अल्टीमेट अब अगर अल्टीमेट में कंपेयर देखें तो फिर से हम ले लेते हैं कि ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्टीमेट बीओडी और हमने एक टेम्परेचर सेट कर दिया थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड उसमें हमने चेक किया अल्टीमेट बीओडी मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए तो ये इक्वली होगी क्योंकि हम क्या बात करें कि मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपको इक्वल मिलेगी जो आप ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड में आपको अल्टीमेट बीओडी मिल रही है याद बस इतना रखना है कि अल्टीमेट इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स इन इनफाइनाइट ड्यूरेशन ये हम किसकी बात कर रहे हैं इनफाइनाइट ड्यूरेशन की तो हम नहीं बता सकते कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन में हम इनको ज्यादा कम नहीं बता सकते इसलिए हमने बोला कि ये इक्वल होगी नाउ इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देखिए ये क्या है बीओडी ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारा या फिर अल्टीमेट बीओडी है ये किस पे डिपेंड करेगा तो कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है अगर कम ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो क्या होगा वहां पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी हमने टेस्टिंग की और टेस्टिंग से हमें एक और कंक्लूजन पता चलता है कि जो बीओडी फाइव है क्या लिखा मैंने बीओडी फाइव एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल बीओडी थ्री एट टेम्परेचर यहाँ पर ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड अब इस बात को समझते हैं ये आपको याद रखना है देखिए क्या हुआ कि जब हमने टेस्टिंग की अब टेस्टिंग कैसे है आगे हम समझेंगे लेकिन हमने जब बीओडी का टेस्ट किया तो पांच दिन में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी बीस डिग्री टेम्परेचर टेंग, रखने पर उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें ट्वेंटी सेवन जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड में तीन दिन के अंदर वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं बढ़ाएंगे हम माइक्रोब्स की एक्टिविटी फास्ट होगी उनको ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तेजी से वीकेंड से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा ज्यादा कम हम नहीं बोलते रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा तो 27 डिग्री टेम्परेचर कर देने से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन यहां बढ़ गया मतलब तीन दिन में ही जो माइक्रो थी ऑर्गेनिक मैटर को फूड बनाने के लिए वो यहाँ पूरी हो गई थ्री डेज में ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड पर और वो किसके इक्वल आई पांच दिन तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड के मतलब टेम्परेचर कम था तो माइक्रोब्स को अपना फूड बनाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर्स को 20 डिग्री सेंटीग्रेड में पांच दिन लगे लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उन्हीं माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मैटर को अपना फूड बनाने के लिए सिर्फ तीन दिन लगे उन्होंने टेम्परेचर बढ़ गया तो तेजी से काम किया और तीन दिन में ही अपना फूड पूरा माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया तो ये बेसिक इसका मतलब था इस इक्वेशन का जो कि हमें याद रखना है इसीलिए हम आगे क्या करेंगे जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड और फाइव डेज की बीओडी लेकर चलते हैं उसका भी एक रीजन है कि जब हमने देखा बीओडी टेस्ट परफॉर्म करके तो हमें पता चला कि माइक्रोब्स जो है पांच दिन के अंदर सिक्सटी एट परसेंट अपना फूड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर चुके रहते हैं सिक्सटी एट परसेंट है ना ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड में इसीलिए हम क्या करते हैं बीओडी फाइव एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड को स्टैंडर्ड बीओडी टेम्परेचर और ड्यूरेशन लेकर चलते हैं और किस तरह से हम बीओडी को रिप्रेजेंट करें थ्री डेज में फाइव डेज में ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में थर्टी डिग्री में ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड में अभी हमने बस इतना ही समझे